साथियों, समय के साथ भारत ने इलेक्शन प्रोसेस को आधुनिक टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा है। भारत करीब 25 साल से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल कर रहा है। ईवीएम के उपयोग से हमारे यहां चुनाव में ट्रांसपेरेंसी और चुनाव प्रक्रिया में एफिशिएंसी दोनों बढ़ी है। भारत में वोटों की गिनती शुरू होने के कुछ ही घंटों में चुनाव परिणाम आ जाते हैं। अब मैं आपको एक और आंकड़ा दे रहा हूं, ये सुनकर भी आप चौंक जाएंगे। आपको पता होगा कि अगले साल भारत में फिर एक बार जनरल इलेक्शन होने जा रहा है। इस इलेक्शन में 100 करोड़ वोटर्स यानी 1 बिलियन लोग वोट डालने जा रहे हैं। मैं P20 समिट में आए आप सभी डेलीगेट्स को अगले वर्ष होने वाले जनरल इलेक्शन को देखने के लिए अग्रिम निमंत्रण देता हूं। भारत को आपको एक बार फिर होस्ट करने में बहुत खुशी होगी। साथियों, कुछ दिनों पहले ही भारत की पार्लियामेंट ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, जिसमें मैं आपको आगे अवगत कराना चाहता हूं। भारत ने अपनी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने का निर्णय लिया है। भारत में लोकल सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में करीब 32 लाख यानी 3 मिलियन से अधिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इनमें से करीब 50% विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। भारत आज हर सेक्टर में विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे रहा है। हमारी संसद द्वारा लिया गया हाल का फैसला हमारी संसदीय परंपरा को और समृद्ध करेगा। फ्रेंड्स, भारत की संसदीय परंपराओं पर देशवासियों के अटूट विश्वास की एक और बड़ी वजह है, जिसे आपको जानना और समझना बहुत अहम है। ये शक्ति है हमारी विविधता, हमारी विशालता, हमारी वाइब्रेंसी। हमारे यहां हर आस्था के लोग हैं, सैकड़ों तरह का खान पान, सैकड़ों तरह का रहन सहन हमारी पहचान है। भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, हमारे यहां सैकड़ों बोलियां हैं। लोगों तक पल पल की सूचनाएं पहुंचाने के लिए 28 लैंग्वेजेज में 900 से ज्यादा टीवी चैनल्स भारत में है एंड 24/7 है। करीब 200 लैंग्वेजेज में हमारे यहां 33,000 से ज्यादा अलग अलग न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं। हमारे यहां सोशल मीडिया के अलग 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 प्लेटफॉर्म्स पर लगभग 3 बिलियन यूजर्स हैं। इससे पता चलता है कि भारत में इंफॉर्मेशन का फ्लो और फ्रीडम ऑफ स्पीच
उसका लेवल कितना विराट है, कितना सशक्त है। 21वीं सदी की इस दुनिया में भारत की ये वाइब्रेंसी, विविधता में एकता हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। ये वाइब्रेंसी हमें हर चुनौती से लड़ने की, हर मुश्किल का मिलकर समाधान करने की प्रेरणा देती है। फ्रेंड्स, दुनिया के अलग कोनों में जो कुछ भी घट रहा है उससे आज कोई भी अछूता नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स और कन्फ्रंटेशन से आज दुनिया